हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ वेक्टर एडुकेटर्स. दिस इज नीलम, योर मेंटर फॉर इंग्लिश. एंड गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एरर डिटेक्शन बेस्ड ऑन नाउन. सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. सो हियर इन ईच सेंटेंस देयर इज एरर इन ओनली वन पार्ट. यू हैव टू फाइंड दैट पार्ट एंड मार्क इट एज योर आंसर. एंड इफ द सेंटेंस इज एरर फ्री, योर आंसर विल बी नो एरर और द लास्ट पार्ट. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट सेंटेंस क्या कहता है? स्नेहा हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ गीता. सो गाइज, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द रूल रिलेटेड टू दिस सेंटेंस इन आर लास्ट सेशन. देखिए आप क्या फाइंड कर पा रहे हो. गाइस, तो ये रूल कहता है कि जब कोई नाउन आएगा एंड नाउन के बाद कोई प्रीपोजिशन आएगी, तो अगेन फिर से वही नाउन रिपीट किया गया होगा एंड वो नाउन हमेशा कैसा होना चाहिए? सिंगुलर फॉर्म में. लेकिन यहाँ देख पा रहे हैं प्लूरल फॉर्म है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा. और यहाँ पर क्या होगा? पेज आफ्टर पेज, जैसे कि हमने देखा था एग्जाम्पल में, सिटीज़ आफ्टर सिटीज़ नहीं होता. क्या होता है? सिटी आफ्टर सिटी, इस तरीके से डो टू डोर. आई होप क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आर्म्स वॉज गिवेन टू द बेगर. अब यहाँ पर देखिए आर्म्स, आर्म्स का मतलब क्या होता है? आर्म्स मतलब जो हम लोग गरीब लोगों को जो भीख या भिक्षा देते हैं उसे हम कहते हैं आर्म्स. तो एक रूल देखा था गाइज हमने लास्ट सेशन में कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दिखते प्लूरल है, जैसे स्पेक्टिकल्स, जैसे कि गॉगल्स, जैसे कि ऑर्डर्स, जैसे कि आर्म्स. तो ये दिखते भी हमें प्लूरल है और इनके साथ जो वर्ब फॉलो होती है इनके बाद वो भी हमेशा कैसी होनी चाहिए? प्लूरल. तो इसलिए आर्म्स के साथ वॉज नहीं आएगा, आर्म्स के साथ हमेशा क्या आएगा? वर्ब प्लूरल फॉर्म में वॉ. नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस. Whenever Sohan goes to Mumbai, he stays in 5-star hotels. तो देखिए क्या हो सकता है error? Five stars hotels. तो ये जो है guys, ये hyphenated noun है और hyphenated noun plural form में नहीं आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5-star. Okay? क्या हो जाएगा यहाँ पर? 5-star. ये जो हाइफनेटेड नाउन होता है जिनमें हाइफन्स होते हैं, ये कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं किए जाते. तो क्या हो जाएगा? 5-star होटल. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट देखिए, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम इक्विपमेंट्स. बस खत्म. द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम इक्विपमेंट्स. देखिए क्या एरर हो सकता है. इस सेंटेंस में एरर सी पार्ट में, सी पार्ट इज एरोनियस, क्योंकि यहाँ पर ये जो इक्विपमेंट्स है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब ऐसा नाउन जिसकी काउंटिंग नहीं कर सकते. और हमने देखा था कि अनकाउंटेबल नाउन्स के कभी प्लूरल नहीं होते, तो ये इक्विपमेंट्स नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? इक्विपमेंट. ओके, जैसे वर्क का कभी वर्क्स नहीं होता, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं होता, वैसे ये जो इक्विपमेंट होता है ये अनकाउंटेबल नाउन है जिसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता. देन नेक्स्ट देखते हैं. ही वॉज एडवाइज्ड टू टेक 2 spoonful ऑफ मेडिसिन 3 times अ डे. He was advised to take, ये पार्ट बिल्कुल सही है. 2 spoonful
टू स्पूनफुल की बात की जा रही है, तो यहाँ क्या होगा, टू स्पूनफुल्स होगा गाइज, एरर इज इन सेकेंड पार्ट। देन नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द पुलिस हैव रिसीव्ड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट कैन हेल्प देम टू सॉल्व द मर्डर केस। हम यहाँ एक एक पार्ट को चेक करेंगे। द पुलिस, पुलिस हमें पता है ऐसा वर्ड है जो दिखता हमें सिंगुलर है बट होता प्लूरल है, तो इसके साथ जो वर्ब होगी वो वर्ब भी हमेशा कैसी होगी, प्लूरल फॉर्म में। तो ये बिल्कुल सही है, रिसीव्ड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जिनकी हम 1 2 3 4 करके काउंटिंग नहीं कर सकते, उनके प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन। ओके, रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन या सम इन्फॉर्मेशन भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, एनवी स्ट्राइक्स अ वुमन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमन। देखिए क्या हो सकता है, तो देखेंगे गाइस, एनवी और जेलेसी ये ऑलमोस्ट सिमिलर वर्ड्स होते हैं, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि एनवी का मीनिंग होता है डिजायर ऑफ समथिंग पजेस्ड ऑफ पजेस्ड बाय समवन। जैसे किसी के पास कोई बहुत अच्छी कार है तो मुझे भी उस तरीके की कार चाहिए, तो इसे कहा जाता है एनवी। एंड जेलेसी होता है कि किसी पर्सन या किसी चीज़ को लूज करने का जो डर होता है ना, फियर ऑफ लूजिंग समवन और समथिंग इज कॉल्ड एज जेलेसी। तो यहाँ पर एनवी नहीं आएगा, यहाँ पर होगा जेलेसी। देन नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, टू समन्स हैव बीन इशूड बाई द कोर्ट बट सोहन हैज नॉट येट अपियर्ड बिफोर द कोर्ट। तो यहां पर देखिए क्या हो सकता है, सो गाइज हियर एरर इज इन द पार्ट ए, बिकॉज समन्स कितने, समन मतलब होता है कोर्ट का ऑर्डर, लॉ का जो ऑर्डर होता है, और कितने, टू की बात कर रहे हैं ना, तो ये जो टू समन्स जो होता है यहाँ ये सिंगुलर है, इसका जो प्लूरल होता है ये होता है समन्सेस, टू समन्सेस हैव बीन इशूड बाई द कोर्ट। ओके, तो समन्स का जो प्लूरल होगा वो समन्सेस होता है, ये समन्स तो सिंगुलर फॉर्म में ही आता है। ओके, तो टू समन्सेस। देन नेक्स्ट इज, शीप्स आर इकोनॉमिकली वेरी यूजफुल एंड सो दे आर रेयर्ड फॉर वुल एंड मीट। यहाँ देखिए क्या हो सकता है, यहाँ पर भी ए पार्ट ही एरोनियस है, यहाँ पर एरर है। शिप्स, शिप जो होती है ना, एनिमल की बात की जा रही है, जो शिप होती है तो उसका प्लूरल कभी शिप्स नहीं होता, ये शिप सिंगुलर में भी शिप होती है एंड इसका प्लूरल फॉर्म भी शिप ही होता है, शिप्स कोई वर्ड नहीं होता। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड, देखिए क्या एरर हो सकता है 10th क्वेश्चन में।
ऑल द एविडेंसेस वर अगेंस्ट हिम एंड ही वॉज हेल्ड गिल्टी. अगेन गाइस, ये जो एविडेंसेस है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अभी मैंने कहा था अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल नहीं होते, तो ये एविडेंसेस नहीं, क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एविडेंस. एंड अनकाउंटेबल नाउन के बाद जो वर्ब फॉलो होती है वो भी हमेशा कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर. तो क्या होगा, ऑल द एविडेंस वॉज अगेंस्ट हिम एंड ही वॉज हेल्ड गिल्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. स्टैटिस्टिक्स शोज दैट देयर इज गोइंग टू बी अ बिग इकोनॉमिक स्लो डाउन. स्टैटिस्टिक्स शोज क्या हो सकता है, एरर. देयर इज गोइंग टू बी अ बिग इकोनॉमिक स्लो डाउन. गाइज, यहां भी फर्स्ट पार्ट में ही एरर है. एंड एरर इज हियर, वर्ब में एरर हो गया है. ये स्टैटिस्टिक्स एक नाउन होता है ना. अब स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट की बात करूं, दो तरीके से यूज होगा. जैसे मैंने कहा स्टैटिस्टिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो एज अ सब्जेक्ट जब बात करूंगी तब ये सिंगुलर होगा. लेकिन यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट बात नहीं की जा रही, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, स्टैटिस्टिक्स शोज दैट देर इज गोइंग टू बी अ बिग स्लो. तो यहाँ पर जो बात की जा रही है वो डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा है ना, कलेक्शन ऑफ डेटा की बात की जा रही है. तो यहाँ जो ये यूज हो रहा है स्टैटिस्टिक्स, ये प्लूरल फॉर्म में यूज किया जा रहा है, तो इसीलिए ये जो वर्ब होगा ये प्लूरल होगा. तो शो का, शोज का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, ओनली शो. ओके, ये जो शो होता है ये सिंगुलर, सॉरी शोज जो होता है सिंगुलर होता है, एंड शो जो होता है ये प्लूरल फॉर्म होता है ना. जैसे कि ही, हम क्या कहेंगे, शोज, क्योंकि ही एक ही इंसान है, सिंगुलर है इसलिए शोज. लेकिन अगर दे आएगा तो दे के साथ क्या यूज करेंगे, शो. नेक्स्ट देखते हैं. ऑर्डर्स फॉर हिज ट्रांसफर हैज बीन इशूड बाई द मिनिस्ट्री. देखिए गाइस, क्या एरर हो सकता है इसमें. Orders for his transfer has been issued. यहां पर जो एरर है गाइस सेकेंड पार्ट में है. Has नहीं, होगा, हैव होगा. As we discussed earlier, orders अभी हमने देखा था, arms अभी मैंने बात की थी, spectacles, news, इस तरीके के जो words होते हैं ये दिखते हमें कैसे plural है, और इनके साथ वर्ब भी जो हमेशा आती है वो कैसी आती है, प्लूरल. इसलिए यहां पर हैज नहीं, हैव होगा. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. अ सीरीज ऑफ मैचेस आर बीइंग प्लेड इन वानखेड़े स्टेडियम. यहां पर देखिए गाइस क्या हो सकता है. अ सीरीज ऑफ मैचेस आर बीइंग प्लेड इन वानखेड़े स्टेडियम. ये तो काफी इजी है, सभी को आ गया होगा इसका एरर समझ में. अ सीरीज ऑफ मैचेस आर नहीं इज, क्योंकि अ सीरीज मतलब एक सीरीज की बात की जा रही है ना, तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. द 20 days टूर इन साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री वर वेरी इंटरेस्टिंग. यहाँ पर देखिएगा इस क्या एरर हो सकता है. द 20 days टूर इन द साउदर्न मोस्ट पार्ट, ये सही है. 20 days टूर इन द साउदर्न मोस्ट पार्ट. ओके, यहाँ पर भी जो एरर है ये फर्स्ट पार्ट में है. अभी हमने डिस्कस किया था कुछ क्वेश्चंस पहले कि ये जो हाइफनेटेड नाउन होता है ये हमेशा कैसा होना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में. इसका कोई प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, तो 20 days नहीं, क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 20 day tour. ओके,
देन नेक्स्ट देखिए, सारा हैज गिवन मी 6 dozens पेन्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज। अब यहां पर देखिए, ये ऐसा नाउन है जो लेंथ या मेजरमेंट बताता है हमें। यह हम मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, डजन, लेंथ, थाउजेंड। इसके पहले आया है सिक्स, तो ये डजन्स नहीं होगा, क्या होगा? ओनली डजन, क्योंकि इसके पहले कोई नंबर आया है। ओके, जैसे कि अगर मैंने कहा 400s, 400s नहीं होगा कभी भी, क्या हो जाएगा? ओनली 400। इसी तरीके से 6 dozens नहीं, डजन, क्योंकि ऐसे नाउन जो लेंथ और मेजरमेंट, जैसे हम डजन्स क्या मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं ना, 2 dozen बनाना, 4 dozen बनाना, 200, ये सारे 100, मीटर, किलोमीटर, 1000, ये सारे वर्ड्स की यहाँ पर बात की जा रही है कि इनके पहले अगर कोई न्यूमरिकल वैल्यू, कोई नंबर आ जाता है तो ये हमेशा कैसे होनी चाहिए? हमेशा सिंगुलर फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 2 scores और बुक्स विच आर लाइंग अनयूज इन द लाइब्रेरी। यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, सो हियर एरर इज इन पार्ट वन अगेन। फिर से यहाँ फर्स्ट पार्ट में एरर इस क्वेश्चन में, देयर आर 2 scores ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज इन द लाइब्रेरी। यहाँ पर अगेन ये जो स्कोर्स है, ये लेंथ एंड मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, तो इसीलिए ये वर्ड यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? स्कोर्स नहीं, स्कोर, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है? नंबर। जैसे अभी बताया था 2 dozen होगा, 200 होगा, 2 score होगा, क्योंकि यहां पर भी बुक्स की मेजरमेंट के लिए बात की जा रही है स्कोर्स से। देन नेक्स्ट देखिए 17th, ऑल्दो शी हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, शी इज येट टू लर्न द अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स, ओके, चेक करते हैं इसको। ऑल्दो शी हैज स्टडीड, सही है, इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, ये भी बिल्कुल सही है। शी इज येट टू लर्न द अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स नहीं, सिर्फ अल्फाबेट आएगा। अल्फाबेट्स मतलब इंग्लिश अल्फाबेट्स जो होते हैं हमारे ए टू जेड, उसकी बात की जा रही है। यहाँ लैंग्वेज की बात की जा रही है, तो इसलिए क्या आ जाएगा? ओनली एंड ओनली अल्फाबेट। नेक्स्ट इज 18th, इट इज नेवर माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल इनफ टू डील विद देयर ओन प्रॉब्लम्स। यहाँ पर देखिए क्या एरर हो सकता है, इट इज नेवर माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दोज। ओके, फर्स्ट पार्ट में कोई एरर है? नो, एन एडवाइस बिल्कुल यहाँ पर एरर है। एन एडवाइस नहीं होगा, क्योंकि अगेन एन एडवाइस, एडवाइस इज अ अनकाउंटेबल नाउन। अगर आप किसी को कोई एडवाइस देते हो, कोई सजेशन देते हो, तो क्या आप उसे काउंट कर सकते हो? 1, 2, 3, 1, 2, 3, नहीं। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, और हमने देखा था अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल एन का या आर्टिकल ए का यूज हम नहीं कर सकते। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? इट इज नेवर माई बिजनेस टू गिव, या तो सिर्फ एडवाइस होगा, या तो फिर यहाँ पर आएगा अ पीस ऑफ एडवाइस। अ पीस ऑफ एडवाइस इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन,
यहाँ पर देखेंगे आई डोंट थिंक इट इज योर बुक, इट इज समबडीज एल्स। तो यहाँ पर जो एरर आएगा ये थर्ड पार्ट में होगा। यहाँ पर देखिए एपोस्ट्रोफी का यूज है, एंड एपोस्ट्रोफी का यूज हमेशा लास्ट वर्ड में किया जाता है, तो ये समबडीज में नहीं आएगा, एपोस्ट्रोफी आएगा एल्सिस में। ओके तो क्या हो जाएगा, समबडी एल्सिस। आई डोंट थिंक इट इज योर बुक, इट इज समबडी एल्सिस। ओके देन नेक्स्ट देखते हैं, चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ्स इफ दे हैव नथिंग टू डू। अब यहाँ पर देखिए चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग, अब कुछ लोगों को यहाँ लगेगा कि एरर सेकेंड पार्ट में, क्योंकि टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पर ये टू अकेला नहीं, ये एक फ्रेज होता है प्रोन टू। प्रोन टू एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है लाइकली टू हैपन या लाइकली टू अकर की कोई चीज़। जैसे मैंने कहा दिस एरिया इज प्रोन टू फ्लड्स, मतलब यहाँ पर फ्लड्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है या कभी भी आ सकते हैं। तो प्रोन टू एक फ्रेज है जिसके बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है। ओके देन नेक्स्ट देखते हैं टू, हाँ मेकिंग मिसचीफ्स इफ दे, यहाँ पर एरर है, मिसचीफ्स नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, मिसचीफ। ओके मिसचीफ्स कोई एग्जिस्ट नहीं करता वर्ड, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मिसचीफ इफ दे हैव टू डू नथिंग, क्योंकि अगेन ये मिसचीफ भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्शन दी हुई है रीड इट सेज बिलो एंड फाइंड आउट वेदर देर इज एन एरर, इफ द एरर वन पार्ट एंड दिस इज। ओके जैसा हम कर रहे थे सेम वही चीज करनी है हमें, किसी एक पार्ट में एरर है उस, ठीक है उस पार्ट को हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर डार्ट्स आर प्लेड बाई मैन एज वेल एज वीमेन, देखिए क्या एरर हो सकता है। सो गाइज अगर बात करें यहां पर ये डार्ट्स, तो ये डार्ट्स एक तरीके का गेम होता है, इंडोर गेम होता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि डार्ट्स आर प्लेड बाई मैन एज वेल एज वीमेन। ओके तो ये डार्ट्स हमें दिखता प्लूरल है, जैसे कि हमने वर्ड्स देखे थे प्रिमाइसेस, गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, ऑर्डर, वो सारे हमें क्या दिखते थे प्लूरल, लेकिन होते तो कैसे थे सिंगुलर। तो यहाँ पर भी ये दिखता प्लूरल है, लेकिन ये एक गेम का नाम है ना, तो किसी एक गेम का नाम है इसलिए ये सिंगुलर ही है। तो इसके साथ जो वर्ब आएगी ये वर्ब भी हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर, डार्ट्स इज प्लेड इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस, रिसेंटली आई विजिटेड सिंगापुर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी ब्रेथ चेकिंग, कि जब मैं सिंगापुर गया तब मैंने वहां पर सीनरीज देखी जो बहुत ज्यादा कैसी थी, ब्रेथ चेकिंग। तो यहां पर मुझे नेक्स्ट ओके ठीक है पहले ये बता दीजिए फिर नेक्स्ट लेते हैं, क्या होगा यहाँ पर एरर, रिसेंटली आई विजिटेड बिल्कुल सही है, सिंगापुर एंड फाउंड ये भी सही है, द सीनरीज टू बी ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सीनरी अगेन एक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करते, कभी भी इनके प्लूरल फॉर्म नहीं होते। तो क्या हो जाएगा सीनरी, सीनरी मतलब क्या होता है, दृश्य, क्या आप सीनरी को काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 नहीं ना, तो ये क्या होगा अनकाउंटेबल नाउन और इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द पुलिस इज बिकमिंग मोर एंड मोर एक्टिव, देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, क्या होगा यहाँ पर एरर, एरर ऑब्वियसली सेकेंड पार्ट में है, इज नहीं आएगा यहाँ पर, आर आएगा, कि ये जो पुलिस होता है ना, इस पुलिस का मतलब ही होता है पुलिस फोर्स।
फोर्स, उनकी पूरी की पूरी फोर्स को ही पुलिस कहा जाता। ये वर्ड हमें दिखता सिंगुलर है लेकिन होता प्लूरल है। इसके साथ जब भी कोई वर्ब आएगा वो हमेशा कैसा होगा? प्लूरल फॉर्म में होगा। सो द पुलिस आर बिकमिंग मोर एंड मोर इनएक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रेजेंट डेटाज शो दैट द डेथ रेट हैज फॉलन डाउन। तो यहाँ पर भी देखेंगे गाइस एरर, द प्रेजेंट डेटास फर्स्ट पार्ट में ही एरर है। यहाँ पर ये जो डेटाज होता है ये कोई वर्ड नहीं होता, ये डेटा ही हम बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म में यूज कर सकते हैं। डेटा ही बहुत सिंगुलर एंड प्लूरल होता है, तो डेटास कोई वर्ड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? डेटा। नेक्स्ट, शी हैज बॉट अ डजन ऑफ कॉपीज ऑफ इंग्लिश ग्रामर बुक्स। देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, शी हैज बॉट अ डजन ऑफ कॉपीज ऑफ इंग्लिश ग्रामर बुक्स। तो यहाँ पर चेक करेंगे, फर्स्ट पार्ट शी हैज़ बॉट बिल्कुल सही है, अ डजन ऑफ कॉपीज यहाँ पर ये बिल्कुल गलत है, मतलब कि एरर सेकेंड पार्ट में। देखिए अ डजन एक्स सो गाइस देखिए यहाँ पर एक रूल होता है, ऐसे नाउन जो लेंथ और मेजरमेंट को बताते हैं, ऐसे नाउन जो लेंथ और मेजरमेंट को बताते हैं, जैसे कि डजन, जैसे कि स्कू, जैसे कि 100, जैसे कि 1000। तो जब भी इन नाउन्स के पहले आर्टिकल अ आ जाए या इनके पहले कोई नंबर आ जाए, तब ये जो नाउन्स होंगे ये हमेशा कैसे आएंगे? सिंगुलर, है ना। एज यू कैन सी डजन भी सिंगुलर है एंड डजन यहाँ भी सिंगुलर है, और ये जो नाउन होगा ना, ये नाउन हमेशा कैसा होगा? प्लूरल फॉर्म में। बट नेक्स्ट सेंटेंस में इस डजन के पहले क्या कोई नंबर दिख रहा है आपको? नहीं है। क्या आर्टिकल ए दिख रहा है? नहीं है। तभी ये हमेशा कैसा होगा? तभी ये प्लूरल फॉर्म में हो सकता है, एंड इसके बाद ये ऑफ आना भी जरूरी होता है, एंड ये तो नॉर्मली प्लूरल ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पे अ डजन्स ऑफ एक्स नहीं होगा, यहाँ पर अ डजन्स ऑफ, सॉरी, अ डजन्स ऑफ कॉपीज नहीं, सिर्फ क्या हो जाएगा? डजन्स ऑफ कॉपीज, जैसे कि डजन्स ऑफ एक्स, इस तरीके से। तो अगर यहाँ पर ऑफ नहीं होता तो हम इस तरीके से भी बना सकते थे, अ डजन एक्स या अ 5 डजन एक्स, या नंबर अगर होता तो इस तरीके से। आई होप क्लियर है। देन नेक्स्ट देखिए, इंडियन फोर्स आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी। गाइज यहाँ पर जो एरर है ये भी फर्स्ट पार्ट में ही है। फोर्स, फोर्स का मतलब क्या होता है? फोर्स का मीनिंग होता है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब ताकत या बल, है ना। तो यहाँ पर ये फोर्स नहीं यूज करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर? फोर्स नहीं,
इंडियन फोर्सेस, हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमारे सैनिकों के बारे में बात की जा रही है। तो फोर्स मतलब स्ट्रेंथ या ताकत होता है, यहाँ पर इंडियन फोर्स नहीं, फोर्सेस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? फोर्सेस। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही इंस्ट्रक्टेड मी टू राइट द टेलीग्राम इन कैपिटल लेटर। सो गाइस देखेंगे यहाँ पर ही इंस्ट्रक्टेड मी टू राइट द टेलीग्राम इन कैपिटल लेटर, नहीं कैपिटल लेटर्स हो जाएगा यहाँ पर। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। द जज ऑर्डर दैट द आयरन ऑफ एक्यूज्ड शुड बी रिमूव्ड। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे, चेक करते हैं। द जज सही है, ऑर्डर दैट सही है। द आयरन, आयरन का मतलब क्या होता है हिंदी में अगर बोलेंगे तो? लोहा है ना, एक तरीके का मेटल होता है। आयरन नहीं, यहाँ पर होगा आयरन्स। सो एरर इज इन पार्ट 3। अब ये आयरन्स का मीनिंग क्या होता है? एक्यूज मतलब क्या होता है? जो दोषी था, जिस पर कोई इल्जाम लगा हुआ था। आयरन्स मतलब होता है चेन्स, और चेन्स मतलब जिस चेन से बांधा जाता है ना, जो मुस्लिम होता है जिसे, मतलब कि जंजीर कहते हैं, हथकड़ी टाइप का है वो चेन होता है लंबा सा, तो उसे हम कहते हैं आयरन्स, है ना। चेन्स एक मोटा चेन, या तो हिंदी में जंजीर, जंजीर कहते शायद, जंजीर समथिंग। ओके, सो आई होप क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। यू कैन नॉट मास्टर फिजिक्स विदाउट लर्निंग द फॉर्मूला दैट गवर्न इट। लेट्स चेक। यू कैन नॉट, बिल्कुल सही है, देयर इज नो एरर। मास्टर फिजिक्स नहीं, आप तब तक फिजिक्स में मास्टरी हासिल नहीं कर सकते जब तक, विदाउट लर्निंग द, सही है, जब तक फॉर्मूला दैट गवर्न इट, ये बिल्कुल गलत है। फॉर्मूला नहीं, फिजिक्स को गवर्न करने वाला सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं, क्या हो जाएगा? फॉर्मूले, प्लूरल फॉर्म ऑफ फॉर्मूला, यहाँ पर क्या आ जाएगा? फॉर्मूले दैट गवर्न इट। नेक्स्ट देखते हैं। द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज गॉन अप। देखिए क्या हो सकता है। द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज गॉन अप। फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं। द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की प्राइस, अब ये प्रोडक्शन की प्राइस किसको लगेगी? मैन्युफैक्चरर को लगेगी। ओके, तो एक होता है प्राइस एंड एक होता है कॉस्ट। तो ये जो प्राइस जो होता है ना, ये कस्टमर देता है, मतलब कि हम लोग जो होते हैं ना ये देते हैं, और ये जो कॉस्ट होता है ना, ये कॉस्ट मैन्युफैक्चरर देता है, या तो शॉपकीपर देता है। शॉपकीपर जहाँ जिस कंपनी से या जहाँ से भी खरीद कर लाता है, तो कॉस्ट कौन पे करता है? मैन्युफैक्चरर या शॉपकीपर। और हम जो हमारे जैसे लोग होते हैं वो प्राइस देते हैं। तो यहाँ पर द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन की बात की जा रही है ना, जो प्रोडक्शन मतलब जो प्रोड्यूस कर रहा है। प्रोड्यूस क्यों, कौन करेगा? मैन्युफैक्चरर, हम तो नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि हमें जो पे करना है वो प्राइस है, लेकिन मैन्युफैक्चरर जो पे करेगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? कॉस्ट। ओके, बहुत बेसिक सी चीज़ थी, लेकिन क्या होता है कि जब एग्जाम देते हैं तो एकदम क्लिक नहीं होता है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एंड जितने भी क्वेश्चन आएंगे ये ऐसे ही कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर वेरी ब्यूटिफुल टू लुक एट। देखिए क्या एरर हो सकता है। कि उसकी जितनी भी सिस्टर इन लॉज है वो सारी की सारी बहुत ब्यूटीफुल है, दिखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पर ऑल हिज, उसकी सारी सिस्टर इन लॉज, ये बिल्कुल गलत है। मतलब उसकी अगर 4 सिस्टर इन लॉज है
ना, तो सिस्टर इन लॉ का प्लूरल जो होता है ये सिस्टर इन लॉज नहीं होता, ये गलत है। प्लूरल क्या हो जाएगा? सिस्टर्स इन लॉ, है ना, जिस तरीके से हम मदर्स इन लॉ। तो एस हमें यहाँ नहीं लगाना होता एंड में, एस कहाँ लगता है? स्टार्टिंग में, जो मेन वर्ड होता है उस मेन वर्ड में को हमें प्लूरल बनाना होता है। तो यहाँ सिस्टर इन लॉज नहीं, सिस्टर इन लॉ। लेकिन ये सिस्टर इन लॉज, अगर मैं कहूँ सिस्टर इन लॉज, तो सिस्टर इन लॉज मतलब यहाँ एक एपोस्ट्रॉफी लग जाएगा, और जिसका मतलब होगा सिस्टर इन लॉ का। जैसे मैंने कहा माई सिस्टर इन लॉज बैग, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ का बैग। तो जब हमें पोजेशन बताना होता है, पोजेशन मतलब ओनरशिप, अधिकार बताना होता है कि ये कोई चीज़ किसी को कोई बिलोंग कर रही है, तब हम ये अपोस्ट्रोफी और ये एस एंड में लगाते हैं। लेकिन जब प्लूरल बनाते हैं तब हमेशा एस जो होता है ये मेन वर्ड में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वुमेन आफ्टर वुमेन स्पोक अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ डाउरी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। देखिए क्या एरर हो सकता है। अगेन सेम रूल, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन। एंड ये जो नाउन है ये कैसा कैसा होना चाहिए? हमेशा सिंगुलर, तो वुमेन नहीं वुमन आएगा। अगेन वुमेन, वुमेन का सिंगुलर वुमेन आएगा यहाँ पर भी, तो क्या आएगा? वुमेन आफ्टर वुमेन। ओके सो एरर इज इन पार्ट वन, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर वन इज आर आंसर। नेक्स्ट देखिए, वन ऑफ द प्रॉब्लम विथ यू इज दैट यू आर नॉट सिंसियर। ओके सो गाइज, यहाँ पर अगर बात करेंगे वन ऑफ द प्रॉब्लम, एरर यहाँ भी फर्स्ट पार्ट में है। वन ऑफ दी, जब भी आता है ना वन ऑफ दी, तो वन ऑफ दी के बाद जो नाउन आता है ना गाइज, ये नाउन हमेशा कैसा होना चाहिए? प्लूरल फॉर्म में, तो प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम्स। ओके जैसे मैंने कहा वन ऑफ माई फ्रेंड, तो गलत हो जाएगा। क्या होगा? वन ऑफ माई फ्रेंड्स। जैसे मैंने कहा शी इज वन ऑफ दी मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन माई क्लास, तो यहाँ पर भी ये गर्ल नहीं होगा, क्या हो जाएगा? गर्ल्स। क्योंकि वन ऑफ दी का मतलब क्या होता है? सभी में से किसी वन की बात कर रहे हैं ना, आउट ऑफ मैनी मतलब बहुत सारे में से किसी एक की बात कर रहे हैं। तो मेरी क्लास में बहुत सारी गर्ल्स पढ़ती है, तो उन गर्ल्स में से मैं किसी एक की, मतलब शी की बात कर रही हूँ। यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स में से किसी एक प्रॉब्लम की यहाँ पर बात की जा रही है। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। आई विजिटेड राम्स एंड सीताज हाउस थ्राइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट। तो यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है एरर। लेट्स चेक, आई विजिटेड सही है, राम्स एंड सीताज हाउस थ्राइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट। कपल मतलब हस्बैंड एंड वाइफ है, मतलब दोनों का एक ही घर है। ओके तो एरर जो है इस पार्ट में, अब देखते हैं कैसे एरर है।
देखिए गाइस, यहाँ पर राम एंड सीताज कार इज रेड, मतलब ये दोनों की एक ही कार है ना, जो कैसी है, रेड कलर की है। तो यहाँ पर मैंने एपोस्ट्रोफी फर्स्ट सब्जेक्ट में नहीं लगाया। ये क्या होता है, राम सीता सब्जेक्ट है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है सेंटेंस में वो सब्जेक्ट होता है। तो राम एंड सीता यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट सब्जेक्ट में कोई एपोस्ट्रोफी नहीं लगाया, सिर्फ सेकेंड सब्जेक्ट में लगाया। तो जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेकेंड सब्जेक्ट में एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि दोनों की एक ही पोजेशन है, मतलब दोनों की एक ही चीज़ है, दोनों की कार एक ही है, वो है रेड कलर की। लेकिन यहाँ देखेंगे राम्स में भी अपोस्ट्रोफी है, सीता में भी अपोस्ट्रोफी है ना। राम्स एंड सीतास कार सा रेड, मतलब राम की कार रेड एंड सीता की वाइट। तो जब दोनों सब्जेक्ट्स में अपोस्ट्रोफी है, मतलब दोनों की जो पोजेशन है वो अलग अलग है, इसकी कार कोई और है और इसकी कार कोई और है। तो यहाँ पर लेकिन ये दोनों कपल है, तो दोनों का हाउस एक ही है, तो यहाँ अपोस्ट्रोफी राम में नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, ये राम एंड सीताज हाउस, मतलब अपोस्ट्रोफी ओनली एंड ओनली सेकेंड सब्जेक्ट में अप्लाई होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस। ओके, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, सभी में अपोस्ट्रोफी लगता है, इसी तरीके से बिल्कुल सही है। एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस सेड दी टीचर, ये भी सही है, मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर, देर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। देन नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस, आई लाइक योर सजेशन एंड नोबडीज एल्स, अगेन सेम एरर, अभी हमने डिस्कस किया था कि जब भी अपोस्ट्रोफी लगेगा लास्ट वर्ड में लगेगा, ये बिल्कुल सही है। आई लाइक योर सजेशन सही है, एंड नोबडी एल्सेस यहाँ पर गलती है, क्योंकि ये जो अपोस्ट्रोफी है ये यहाँ पर नहीं आएगा, ये क्या बन जाएगा, नोबडी एंड अपोस्ट्रोफी कम्स एट द एंड ऑफ एल्स, तो क्या हो जाएगा, नोबडी एल्सेस। आई होप गाइस सारी चीज़ें क्लियर हैं। थैंक यू वेरी मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।